दुनिया भर में अगर हम शरीय कम्प्लाइंट फाइनेंसिंग सिस्टम की बात करें इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो इस वक्त अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइज साइज़ है इस्लामिक बैंकिंग का वो अराउंड 2.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बताया जाता है और यह ख्याल ज़ाहिर की जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़द इसमें इजाफा होगा और बाई टू थाउजेंड कोई एक दो साल के बाद हो सकता है कि ये तकरीबन थ्री ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँच जाएगा पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हम काफ़ी प्रोग्रेस देख रहे हैं ना सिर्फ वो बैंक्स जो प्योर इस्लामिक बैंकिंग में इन्वॉल्व हैं बल्कि वो बैंक्स जो कन्वेंशनल बैंकिंग करते रहे हैं वो भी इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स ऑफर की जा रही हैं कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं हमारी रियल इकोनॉमी के लिए आम लोगों के लिए इस हवाले से बात करेंगे तो खासतौर पर अगर हम देखें तो मीज़ान बैंक के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि वन ऑफ़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान मीज़ान बैंक एक प्रीमियर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम आ, के साथ पाकिस्तान में आया और काफ़ी बेहतर तरीके से सर्विस ऑफर कराए ज़्यादा ब्रांचेज हैं तकरीबन कोई साढ़े पाँच सौ से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे मुल्क में जो सर्विसेज ये ऑफ़र करें ये तमाम इश्यूज हैं जिस पर आज हम बात करेंगे इसी वाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है इरफान सिद्दीकी साहब ने आप प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ़ मीज़ान बैंक इरफान साहब प्रोग्राम की खुशहदी करते हैं जी शुक्रिया वालेकुम वैलिकुम ये फरमया की अगर हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के हवाले से शरिया कम्पाइंट <coughs> बैंकिंग सिस्टम के हवाले से तो जब स्टार्ट लिया था वैसे तो अगर देखा जाए तो उन्नीस सौ सत्तर में पाकिस्तान में ये थॉट प्रिवेल हुआ बातें हो रही <coughs> थी लेकिन एक्चुअली तो ये उन्नीस सौ अस्सी के बाद से एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जब ने देखी वही और मीज़ान बैंक इज़ द प्रीमियर इस्लामिक बैंक इन इन पाकिस्तान ये सब सफ़र रहा है कैसा रहा है सफ़र माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाइंग रहा है हर लिहाज से आई थिंक मैं अपनी जब ख़ुद की जिंदगी का तजिया करता हूँ तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा सेटिसफेक्शन मुझे इसी में मिला है कि एक एक मकसद को लेकर हमने आगे बढ़ाया और उसमें अल्लाह ताली ने उतनी बरकत दिया जो हमने कभी ख़ुद सोचे नहीं थे नाइनटीन नाइन्टी सेवन में हमने uh, इसको बनाए थे एज एन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक इसका नाम था इन्वेस्टमेंट बैंक और ये उस वक्त अच्छा खासा साइज़ का एक इन्वेस्टमेंट बैंक था लेकिन वह बैंक की बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं तो आगाज़ हमारा वहाँ से शुरू हुआ था उस वक्त हमारे पास आ, कुल तीन चार लोग ही थे जब हमने शुरू किए और चार साल के वकफे में वो तीन चार लोग जो हैं वो तीस पे पहुंच गए थे और ब्रांच हमारी एक ही थी ब्रांच का वो भी एक ही ऑफिस था हमारा आ, उस वक्त जो हमने इसका विजन स्टेटमेंट बनाए थे वो दैट वाज टू इस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज़ बैंकिंग ऑफ फ़र्स्ट चॉइस तो मैं कभी कभार सोचता था कि भाई हमने स्टेटमेंट तो बना दिए अल्लाह ताली ने जहन में डाला था हमने उसको पेपर पे भी लिया आए टू मेक स्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग फर्स्ट चॉइस लेकिन एक ब्रांच और 25 लोग वो कहाँ से करेंगे वो हमारे पास लाइसेंस नहीं था कि हम जाके ब्रांचेस खोलें या करंट अकाउंट लें सेविंग अकाउंट लें वो तो था नहीं एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक तो अल्लाह के शोर से सोसाइटी uh, जनरल उस वक्त पाकिस्तान से एग्जिट करना चाह रहा था तो उस समय उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कि वो बेचना चाह रहे हैं और अल्लाह के आसान वो ट्रांजेक्शन हो गया और उसके थ्रू हमें कमर्शल बैंकिंग लाइसेंस मिला जबकि वो कन्वेंशनल बैंक था चार ब्रांचेस थी हमारी एक ब्रांच थी तो हमने उसको अपने आ, में मर्ज किए पूरा उसकी कन्वर्जन किए इंटू इस्लामिक उस उसमें हमारे शरीय बोर्ड में ख़ासतौर पर जस्टिस तखीसमाई साहब का बहुत आ, उसमें हमें मदद मिली थी उनसे और वो पूरा एक फर्स्ट तजुर्बा था कि एक हमने कन्वेंशनल बैंक को लेकर डे वन पर उसको कन्वर्ट किया और वहाँ से आगाज शुरू हमारी इस्लामिक कमर्शल बैंकिंग दैट वॉज इन टू थाउजेंड एंड टू 2002 में जब हमने लाइसेंस लिए थे स्टेट बैंक से डॉक्टर इर्शत साहब ने लाइसेंस दिए थे उस वक्त में तो उन्होंने मुझे यह कहते लाइसेंस दे थे लाइसेंस देते वक्त कि भाई पाकिस्तान में पहले एक मरतबा स्ट्राइक बैंकिंग फेल हो चुकी है और यह हम दोबारा इसका एक नया आगाज कर रहे हैं और इस मरतबा अगर फेल भी तो तीसरा चांस दुनिया में नहीं मिलना है हुँ, हुँ। तो वो वाकई हमें बहुत उसका दिल में हमने लिए थे उस बात को कि भाई इसको हमें वाकई सक्सेसफुल बनाना है लेकिन उस वक्त अगर हम देखें दो हज़ार दो की जब आप बात करें तो उस वक्त हम अगर फारिस की बात करें तो वहाँ तो इस्लामिक बैंकिंग में काफ़ी तरक्की हो रही थी जी जी मलेशिया में माशाला बहुत तरक्की थी अच्छी खासी तरक्की थी आ, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल जो भी हमारे लिमिटेशन थे वो वो नहीं हो पाई थी तो दो दो में जब हमने शुरू किया तो हम हमारी एक खुद की ब्रांच थी चार हमने एक्वायर किए थे सोसाइटी जनरल से तो पांच ब्रांच ब्रांच के आगाज से हमने 2002 में जब सफर शुरू किए तो उस वक्त टोटल पाकिस्तान में 32 बैंक थे और हम नेचुरली सबसे नए थे तो बत्तीसवें नंबर पे ही आते थे हम नहीं। नहीं। कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी नहीं। और उसके बाद से अलहमदिल्लाज नो लुकिंग बैक अल्लाह ताला ने वो मौके प्रोवाइड करते गए और हम 2002 में बत्तीसवें नंबर पे थे आप सबसे लास्ट सबसे लास्ट जी और आज आज हम ब्रांच वाइज हम सातवें नंबर पर हैं सात बड़े पांच बैंक हैं उसके बाद हम सातवें नंबर पर हैं टोटल और डिपॉजिट वाइज हम आठवें नंबर पर इन शह तो ये सफ़र खासा रैपिड गया आ, हमारी एनुअल ग्रोथ जो है वो हर साल 30, 35, 40 परसेंट तक रही है आ, हमें हमेशा सोचते थे कि शुरू के सालों में ये रहेगी बिकॉज बेस छोटा होता है तो चालीस तो परसेंट भी होता है हाँ इतना मसला नहीं है लेकिन आगे जाके स्लो डाउन हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं भी। वो वो भी, अभी तक और और इस्लामिक बैंकिंग बात तो आ, 2014 में भी नुण। नुण गवरनर, तो में जब साहब थे गवर्नर, उस वक्त भी हम ये सुनते थे कि कि तकरीबन तकरीबन की ग्रोथ है इस्लामिक बैंकिंग। जी। आ, कि आज भी यही 25 -30 जी, 25 भी से है। दस परसेंट में ग्रो करती, 20 में करती इसकी, है तो ये बीस और पच्चीस परसेंट में ग्रो करती है इसके इसकी रीज़न क्या है क्या रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अगर हम आबादी की बात करें दो सौ मिलियन की पॉपुलेशन की बात करें तो नाइनटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन मुसलमान है क्या ये रीज़न है अगर ये है तो फिर यूरोप में भी तो हम देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा नहीं है वहाँ भी बड़ी तेज़ी से इस्लामिक बैंकिंग में ग्रोथ हमने देखी दो हज़ार चार में भी हम बात करते थे कि यूरोप में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बड़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है नहीं ओबियसली जो आप जो कह रहे हैं नाइन्टी नाइन परसेंट इस्लामिक पॉपुलेशन है तो इस्लामिक बिलीफ के लिहाज से तो दिस इज डूइंग बैंकिंग राइट अब जो शर्या में जो कुरान में जो ममानियत है सूद के बारे में वो अनफॉर्चुनेटली कई चीजें होती है ना जो गुटी में पड़ी होती है बचपन से mm -hmm. वो हमें बचपन से वो नहीं सिखाया गया हमें बचपन से ये तो सिखाया गया कि भाई सूअर का गोश्त नहीं खाना है राइट right? तो वो हम सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में चाहे हम ये नहीं सोचते मुसलमान है इसलिए नहीं खाना है बस हमें नहीं खाना है वो बिल्कुल राइट तो हम उस, उसको ऑबियसली उससे परहेज़ करते हैं कि नहीं लेते हैं उसको लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में रिबा की ममानिया जो है ना वो क्वाइट फ्रेंकली कभी हमने बचपन में तो सुने भी नहीं थे मुझे भी जब ये एहसास हुआ मेरी वाइफ जब कुरान क्लास ज्वाइन की तो उनको हुआ कि मेरे बाझ से आके उन्होंने पूछे कि भाई ये ये आप जो करते हैं वो रबा है उन्हें कहा नहीं नहीं ये रिबा नहीं है तो सब नॉर्मल है देन आई रियलाइज की वही चीज है ये ये यही कि हमारे क्या आइन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम रिबा फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होगा देखिए आइन में तो नहीं लिखा हुआ है कायदे आजम की जो पहली स्पीच थी जो सेंट्रल बैंक की इनाग्रेशन पर थी स्टेट बैंक की इनाग्रेशन में उसमें उन्होंने कहे थे कि भाई हमें अपना सिस्टम खुद डेवलप करना चाहिए लेकिन आई वुड से कि लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें हमारी खुद की यू नो किसी एक की गलती नहीं होती एक लैक ऑफ अवेयरनेस होती कभी कबार चीज़ें ज़्यादा अवेयरनेस आती है आपको आ, कि भाई किस तरह चीज़ें हो रही हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती हैं हर चीज़ एक दिन में नहीं हो जाए तो पाकिस्तान की जो एक छोटी सी हिस्ट्री है उसमें फाइन दे रहा आया दुरुस्त आया वाली बात है मतलब कोई पहले नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब अलहमदिल्ला आ गया है वो तो जो आप जो पूछ रहे हैं ना तो जब लोगों का के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो और वो ऑप्शन ऐसा हो जो कि उनको अदरवाइज सही लगता हो मतलब कि भाई उनके पास ए टी एम कार्ड चाहिए तो ए टी एम कार्ड भी है चेकबुक चाहिए चेकबुक भी है इंटरनेट बैंकिंग चाहिए इंटरनेट बैंकिंग भी है ब्रांच चाहिए ब्रांच भी है mm -hmm. तो फिर क्यों ना जाए वो मतलब मैं तो क्वाइट फ्रेंकली कभी कभार गुस्से में कहता हूँ कि हमें कोई भूत ने हाथ लगा दिया या शैतान ने हाथ लगा दिया हम <laughs> जब अवेलेबल है तो क्यों ना जाए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप अल्लाह तला के पास भी जाके कह सकते हैं भाई मैं तो इसलिए नहीं गया था कि मैं था नहीं ठीक है बट वैन यू हैव ऑल दी ऑप्शन अवेलेबल और अलहमदिल्ला अब जो पांच इस्लामिक बैंक हैं पाकिस्तान में और जो कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक विंडोज़ भी हैं वो वही लेवल ऑफ़ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जो जिससे हम यूज टू हैं राइट ना बहुत बेहतर ना बहुत ख़राब तो कोई बैंक्स कन्वेंशनल भी बहुत अच्छे होते हैं कोई इस्लामिक भी बहुत अच्छे होते हैं मेरा हमेशा से डे वन से ही रहा है मिज़ान में कि भाई हम अपनी सर्विस क्वालिटी और ऑटोमेशन को उस लेवल पर रखें कि हमारे कस्टमर ये ना कहें कि भाई हम इस्लामिक उसमें आ रहे हैं तो कहीं हम कोई चीज़ पे हम कम्प्रोमाइज़ कर हैं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं एक है। एक सवाल जो मेरे जहन में चाह रहा हूँ कि आप अगर उसको एलिब्रेट कर पाएँ लार्ज अगर हम मार्केटिंग uh, के हवाले से बात करते हैं अगर वॉशिंग पाउडर का नाम लें तो एक नाम सबसे पहले आता है टी वी चैनल की बात करें न्यूज़ के हवाले से तो एक चैनल का नाम सबसे पहले आता है ये शायद फ़र्स्ट मूवर इम्पैक्ट रहता है जी इस्लामिक बैंक्स के हवाले से जब भी बात की जाए तो जो पहला नाम आता है वो हमेशा मिजान बैंक का ही आता है ये आप क्या समझते हैं कि चूँकि ये फर्स्ट मूवर इम्पैक्ट की वजह से अक्सर होता है तो वो वजह है या आप समझते हैं कि आप लोगों की मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग रही है या तेज़ी से जो ग्रोथ रही है कि दो दो में आप लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और आज अगर हम बात करें

बैंक्स हों या टीवी चैनल्स हों या ग्रोसरी स्टोर हों कुछ आती हैं कुछ बंद हो जाती हैं कोई कोई चली जाती हैं अभी मैं आते हुए एक रिक्शा पे या बस पे लिखा हुआ था कोई टीवी चैनल का कि सबसे बड़ा नेटवर्क अब वो है नहीं वो राइट तो ये हमारे हाथ में नहीं होता आई थिंक इसमें और बहुत सारी कुवतें जो काम करती हैं हमारे तो ख्याल है कि अगर आप अपनी मेहनत से करें और ईमानदारी से करें और जो कह रहे हैं वो उसको करें अगर शरिया के लिहाज से करें तो उसमें हमारा पूरा मकसद ये हो कि भाई हमें वो चीज़ करनी है तो जो भी आपका एम हो आप कॉफ़ी बना दें तो आप ऐसी कॉफी बनाएं कि बनाए वो वो कॉफ़ी सही कॉफ़ी हो तो कोई वजह नहीं है कि को कोई चीज़ फेल हो हो और डेडिकेशन हो ऑनेस्टी हो दो नंबर काम करेंगे तो चलता नहीं है तो इनशा अगर नेकनीति से करें तो हर चीज़ बेहतर होती है तो मीज़ान में भी हमारा सक्सेस रेट अल्लाह का शुक्र अल्लाह ते वो रहा है कि हमने जो भी किए हैं उसको पहला इसका ये था कि हमें इस्लामी करना है बरकत खुद आती है ये बैंक जब बनाए थे मैंने ही सेटअप किया था इस वक्त हमने इसकी फीजिबिलिटी तक नहीं बनाए थे ये वो वक्त था पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था हमारे पास माशाल्लाह हमने एक बिलियन शुरू किए एक बिलियन में मतलब हफ्तों में मिल गया था जिसमें फ़ॉरन शेयर होल्डर्स भी थे पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स भी थे और अल्लाह के से उसके बाद से तो बढ़ते ही रहा वो एक बिलियन पच्चीस बिलियन बन गया है वो तो आई थिंक कोई भी काम मेहनत से करें तो वो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता ही है और लेकिन उसका आपको बैकग्राउंड ये होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और वो सेंसियरिटी होना चाहिए हमारा आई थिंक जो मेन आई वुड से इसके हमने शरीर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए डे वन से हमने जब आए तो हमने कभी टी बिल्स और पी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं नहीं है स्टेट बैंक के पास तो हम पैसे फ्री में रखेंगे स्टेट बैंक में लेकिन टीबेल पी आई में नहीं करेंगे तो इस वक्त अगर हम देखें पी आई बैंक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन सिक्स पॉइंट सेवन ट्रिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है गवर्नमेंट हाँ। पेपर्स में और उस उसमें जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो तकरीबन फिफ्टी टू परसेंट पी में इन्वेस्ट हुआ है मीज़ान बैंक की स्पता क्या है जी देखिए मीज़ान बैंक के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ना उसमें गवर्नमेंट ने इजारा सकूक शुरू किए हैं अल्लाह के शहर से माशा आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दैम के उन्होंने वो एक एक बहुत मुश्किल उसके पीछे एसेट चाहिए होते हैं वो किए लेकिन उसकी टोटल जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू वो बहुत कम है अगर इस्लामिक बैंकिंग की नीड बिल फर्स सौ है तो हमारे पास अवेलेबिली पच्चीस की है तो वो मिलता नहीं है एक कन्वेंशनल बैंक के पास डे एंड पे ट्रेजरार के पास ये होता है कि यार आज में सोने से पहले जाने से पहले घर जाने से पहले मेरे पास जो भी लिक्विडिटी है वो मैं इन्वेस्ट कर दूँ वो रिपो में इन्वेस्ट कर देता है हर दो हफ्ते में ट्यूबिल का ऑप्शन आता है स्टेट बैंक की विंडो खुली हुई होती है तो उनको तो वो कंसर्न ही नहीं होता हमारी तो जिंदगी में जो मेन फोकस हमारा हो गया वो हो गया कि हमारी जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको हम क्या करें हमारा डिपॉजिट ग्रोथ रेट पाकिस्तान में प्रॉब्लली हाईएस्ट है पिछले साल हमने 90 बिलियन रुपीस हमारे डिपॉजिट बुक में ऐड हुआ है राइट जो मेरा ख्याल में अभी सारे अकाउंट्स आए नहीं है लेकिन जी अब हमारा फोर सेवेंटी बिलियन के करीब है डिपॉजिट तेजी से आ रहा होता ना तो उसके लगाने के मौके उतने तेजी से नहीं आ रहे होते तो वो सरप्लस लिक्विडिटी होती है हमें सबसे ज्यादा मसला ये है कि सरप्लस लिक्विडिटी क्या करें तो इजार, उस... इजार में इन टर्म्स ऑफ़ डॉलर्स अगर हम बा, बात करें तो कितने बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं आपके हमारे हमारे अब ऑफ एंड मुझे नंबर्स याद नहीं है लेकिन आजकल मेरे ख्याल से सौ बिलियन के कम ही होंगे सौ बिलियन से कम होंगे जबकि हमारी बैलेंस शीट साइज़ पाँच सौ बिलियन है तो इसी जबकि कन्वेंशनल बैंक में वो चीज़ आपका अनलिमिटेड अमाउंट अवेलेबल होता है एक क्रिटिसिज्म इस, हाँ, तो पिछले साल नवंबर की बात है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा कि जी जितने भी इस्लामिक बैंक हैं ये बिल्कुल मुझे क्लियरली याद पड़ता है उन्होंने कहा जितने भी इस्लामिक बैंक हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा रियल इकॉनमी में आप लोग का कंट्रीब्यूशन मुझे नजर नहीं आता तकरीबन मेरे ख्याल में तीस फीसद के करीब तो होना चाहिए और फिर उसमें अगर हम देखें तो रियल इकानी में खासतौर पर जो बात होती है वो एस एम ईस की बात होती है प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफटेक के हवाले से हम बात करते हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से बात करते हैं कितना कितना काम कर रहे हैं देखिए इसमें माशाल्लाह आई वुड से कि जो पांच इस्लामिक बैंक हैं सब के सब बहुत काम कर रहे हैं राइट हर चीज़ का एक स्पीड होती है उसी में कर सकते हैं आप जितना चू कर सकते हैं उतना ही बाइट कर सकते हैं ना बा आप ही आप नहीं कर सकते हैं वो ए डी आर रेशोज़ इस्लामिक बैंकिंग के ए डी आर बोलता है जो एसड डिपॉजिट रेशो है हमारे डिपॉजिट कितना है उसके बस हमने कितने फाइनेंसिंग किए तो अगर आप पूरी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का जायजा लें तो वो तकरीबन उतनी है जो कन्वेल बैंक की है राइट हम एस एम ई में भी हैं कंज्यूमर एसट्स में तो आई थिंक इस्लामिक बैंकिंग सब मिज़ान के अलावा भी जब बैंक हैं वो वो सब माशा होम फाइनेंस कार्यों में लीड पर हैं वो

ए डी आर की कोई ए डी आर की हमारी रिक्वायरमेंट गुड फील फैक्टर होता है कि भाई ए डी आर सिक्सटी परसेंट हो सेवेंटी परसेंट हो रेगुलेटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है राइट सी आर की कैपिटल कैपिटल एडोक्सी रेशो की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बैजल थ्री की भी है न इंटरनेशनल भी है उससे ए, एक एक हद से आप उसको कम नहीं कर सकते हैं इस्लामिक बैंक भी और सारे बैंक्स भी जो मीडियम साइज बैंक हैं वे वो सब कार कंस्ट्रेंट्स हैं वो है। हमारा कैपिटल माशा 26 बिलियन है जो बहुत ज्यादा है स्टेट बैंक का मिनिमम 10 बिलियन, बिलियन है हमारे 26 बिलियन है वंडरफुल लेकिन अब जो हमारी जो बुक साइज है तकरीबन ढाई बिलियन की hmm. अब जब हम उससे ज्यादा ग्रो करने जाते हैं तो वो कैपिटल एडुकेसी रेशियो मिनिमम से नीचे आने लगता है hmm, 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 hmm. तो कैपिटल एडोकैसी रेशियो इसलिए होता है कि आप अपने कैपिटल पर कितना रिस्क ले सकते हैं वो जब रिस्क लेके आप जब आप रियल इकॉनमी में डाल चुके होते हैं तो फिर आपको चाहिए होता है गवर्नमेंट का शोल्डर शोल्डर कि भाई आप ये तो गवर्नमेंट गारंटीड फाइनेंसिंग करें नॉट बिकॉज यूर रिस्क आपकी बैलेंस शीट वो रेशियो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती नहीं, किसी की भी चाहे वो हम हो या बड़ा बैंक हो कोई या कन्वेंशनल बैंक हो तो वो कैपिटल एडिक्यूसी रेशो जो है वो अब कंस्ट्रेनिंग फैक्टर आ जाता है कि भाई आप कितनी और फाइनेंसिंग कर सकते हैं हमारे एस में है एक्सपोजर एग्री में कम है हमारा वो हम इन उसको भी डिवेलप कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ में जो लाइक से टाइम लगता है लेकिन आज हम कहेंगे अपनी बुक को हम 20 परसेंट और बढ़ा दें इसी कैपिटल बेस पे तो बढ़ नहीं सकती रेगुलेटरी right. right. नहीं बढ़ सकती uh -huh. तो इसलिए वो गवर्नमेंट की जरूरत आ जाती है अगर नहीं हो तो क्या करेंगे हम पैसे हम पैसे स्टेट बैंक में जीरो पे रखेंगे uh -huh. तो आई थिंक गवर्नमेंट इंशाल्लाह समझ भी रही है टोटल sure कमिटमेंट है उन्होंने कई मरतबा मुझे खुद उन्होंने ये कहे कि हम पहली तरजीह इस्लामिक बैंकिंग को देंगे uh -huh. लेकिन अब इसी वो सिर्फ डारे देख रहा हूँ जी जी जब मैं साहब की स्टेटमेंट्स देखता हूँ तो वो सपोर्ट करते हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग जी को प्रमोट होना चाहिए बल्कि पिछले हफ्ते अभी दो तीन दिन पहले की बात है बल्कि सदर पाकिस्तान ममनूल हुसैन साहब ने भी कहा कि जी इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के हवाले से काम होना चाहिए और फिर सेंट्रल बैंक भी बहुत ज़्यादा देता एम्फोसिस तो ये ये आपको इसका बेनिफिट तो लाजमी जी जी लाजमी है अलहमद आई थिंक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ मौजूद है फर्स्ट टाइम स्टेट बैंक में डिप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामिक फाइनेंस है साहब जी आ, तो उन ही इज़ चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस फाइनेंस जो मिनिस्टर uh, ने फॉर्म किए थे मैं भी मेंबर हूँ उसका उसने बहुत काम हुआ तो है इस्लामिक बहुत एक्टिव है तो माशा उस लिहाज से चीजें हो रही हैं लेकिन जहाँ प्याज ज्यादा लगती है ना तो हमें ये होता है कि सब कर तो बहुत रहे हैं लेकिन थोड़े और करने की जरूरत है बिकॉज देखिए इनकी डिजायर क्या है इनकी डिजायर ये है कि कहते हैं भाई इस्लामी बैंकिंग एसेट्स कम से कम तीस परसेंट हो पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल से बारह परसेंट है या ऐसी कुछ है राइट right? मैं कहता हूँ सॉरी वो कहते हैं बीस परसेंट हो मैं कहता हूँ फिर आपको हम तीस परसेंट भी दे देंगे चालीस परसेंट भी दे देंगे अगर हमारे पास डिपॉजिट लाते हैं कस्टमर्स और हम डिपॉजिट नहीं ले पाए बिकॉज हम उसको यूज नहीं कर पाए तो कैसे बढ़ेगी बैंकिंग फिर तो विश्वल थिंकिंग हो गई ना अभी डिपॉजिट्स पर अगर हम देखें टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई दस ट्रिलियन रुपीज़ के इस वक्त जो फिगर्स हैं अब उसमें जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो तकरीबन सात खरब रुपए तो या तो करंट अकाउंट में है या सेविंग अकाउंट में और फिर करंट अकाउंट में तकरीबन कोई तीन ट्रिलियन के करीब हैं तो ज़्यादा जो फोकस बैंकस का रहा है वो ये रहा है कि करंट अकाउंट में अट्रैक्शन हो ताकि उसमें पैसे कम देना पड़े लोगों को या बल्कि ना ही देने पड़े जीरो इज इट देखिए एक बैंकिंग right में जनरल बैंक नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका बैंकिंग में एक जनरल क्रिटिसिज्म ये आता है कि बैंक्स बहुत पैसे बनाती हैं। मैं सिर्फ इस्लामिक बेंक, नहीं? नहीं, आप इनका लेकिन प्रॉफिट देखने ना।, नहीं, नहीं, ना वो एक तो सौ अरब रुपए की बैंकिंग सिस्टम की प्रॉफिट जी आपको पता है उनका कैपिटल बेस कितना होगा नहीं मालूम है आपको उसी हिसाब से होगा इसी आप कहीं भी इन्वेस्ट करें अगर आप सौ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका डिज़ायर होगा कि मैं इतने रुपए कमा लूं दो सौ करेंगे तो आपका होगा कि उसका डबल कमाऊं जब उसका कई मल्टीपल करेंगे तो वो अभी सी उसी मल्टीपल से होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में अभी बैंकिंग सेक्टर का मेरा गट फील ये मुझे बहुत सही नहीं मालूम है हमारा तकरीबन बीस परसेंट रिटर्न इक्विटी रहता है मेरा ख्याल से पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लली एवरेज बारह तेरह परसेंट होगा राइट आज हम पावर सेक्टर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कह रही है कि भाई आप आए और इन्वेस्टमेंट करें और डॉलर टर्म में वो रिटर्न गारंटी कर रहे हैं आ, पता नहीं कितना जो भी गारंटी कर रहे हैं बट ए गुड रिटर्न राइट चौदह परसेंट या जो जो भी कर रहे हैं वो तो ये क्यों कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि भी हम लोगों को दे दें दे। इसलिए कि उसकी नीड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको कोई रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर बैंक हैं बहुत सारे बहुत सारे बैंक हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट है मिजान फिर डोमिनटली फॉरन फॉरन ओन बहुत सारे बैंक आके सा फॉरन ओनड है तो अगर रिटर्न नहीं होगा तो एक बाहर का इन्वेस्टर आएगा कैसे राइट दूसरा ये कि अगर कैपिटल ज़्यादा है तो ऑबली एबसोलूट अमाउंट ज़्यादा रिटर्न होगा तो ये अखबार में तो आया था ना इतने बिलियन रुपए बना लिए भाई इतने बिलियन रुपए बनाए तो वो कितने बिलियन रुपए बनाए वो देखें ना और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखें बैंक का कि आपकी जो टोटल बैलेंस शीट साइज़ है उसका रिटर्न ऑन एसेट क्या है तो इस एवरेज इज वन परसेंट है वो दुनिया भर में वन परसेंट होता है तक परसेंट से कम अगर आप आग बैंकिंग सेक्टर को ऑपरेट करें अभी वक्त हुआ ब्रेकअप ब्रेक से वापस आने के बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि अगर हम एसेट की बात करें दुनिया भर में चलें हम रीजनल कंट्रीज की बात करते हैं और फिर प्रॉफिट्स की बात करें तो क्या वाकई हम एट पार हैं पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है या ये वही है जो बाय लार्ज हो रहा है दुनिया भर में वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजीन बात करें इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इरफान साहब ये वाकई एक मिथ है कि पाकिस्तान में बैंक्स बहुत पैसा बना रहे हैं या जो एसेट्स हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो वही है बेसिकली जो दुनिया भर में हो रहा है बाई लॉज जी मुझे तो सिर्फ मिथ नहीं बहुत बड़ा मिथ लगता है मैं आपको बताया था कि रिटर्न ऑन एसेट बैंकिंग सेक्टर का पाकिस्तान में भी और बाहर भी तकरीबन वन परसेंट होता है मीज़ान बैंक ने अभी अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर किए वो 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 पाँच बिलियन के करीब है फाइव पॉइंट वन बिलियन हमारा एसेट बेस तकरीबन पाँच सौ बिलियन है तो वही वन परसेंट पे आ गया राइट अब आप वन परसेंट देखें तो बैंक में आपको अच्छा खासा रिस्क लेना पड़ता है मेनली क्रेडिट रिस्क एक परसेंटेज पॉइंट अगर स्लिप हो जाए तो आपका प्रॉफिट जीरो हो सकता है राइट तो ये क्वेश्चन अगर बैंक्स में अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारा बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ भी सही नहीं होगी और बैंक जो है वो आई वुड से रियली एक एक अंडरलाइंग इकोनॉमी में एक बहुत जरूरी है कि बैंक हेल्थी रहेंट तो ये जो हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी भी देगी रिटर्न एक्सिवट में बता देंगे रिटर्न ऑन एक्विटी प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर की पंद्रह परसेंट होगी अगर ये रिटर्न ना हो तो कौन इन्वेस्ट करें इसमें आप आज आपको शेयर लेके बैठ जाओ उसी में पैसे बना लें क्या, इतनी मेहनत करने क्या की दुण क्या क्या दुण क्या अगर अगर रियल इकॉनमी के साथ पाकिस्तान के खासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग की बात करूँ जो बिज़नेस कर रहे हैं तकरीबन थर्टी परसेंट आपका बिज़नेस रियल इकॉनमी के पास साथ हो तो क्या उससे आप समझते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा या रिस्क बढ़ जाएगा नहीं देखिए ना रिस्क तो ओबीसी बैंक में होता है हमारा जो अभी जो ए कहते हैं फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ आर डिपॉजिट इज इन्वेस्टेड इन द रियल इट्स नॉट हाफ रियल इकॉनॉमी और इट इज रियल इकोनॉमी पावर सेक्टर में दें एग्री में दें एस एम ई में दें कंज्यूमर लैंडिंग में करें इट्स ऑल इकोनॉमी राइट तो फोर्टी फाइव परसेंट आपका इकॉनमी में जा रहा होता है डायरेक्ट प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है नौ हजार डायरेक्ट इम्प्लॉइज है हमारे वो उन, उनके वो भी इकोनॉमी में जा रहा है पैसा तो ये इकोनमी को तो आपका पुश मिल ही रही होती है बैंक से चाहे वो 45 फाइव परसेंट ए डी बजा रही हो या 70 परसेंट ए डी आर बजा रही तो है ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इस वक्त की बात अगर करें तो ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 91 परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक्स की है जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट के पास नहीं 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 ये स्टेटमेंट हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें नाइन्टी वन ऑफ दैट पूल इज

ई बैंकिंग की जब हम बात जी, करते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग की बात करते हैं दो चार प्रोडक्ट्स हमारे सामने आती हैं ओमनी की बात की जाती है इजी पैसा की बात की जाती है यू पैसा की बात की जाती है ये जो तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं या मजीद आने वाली हैं इससे वाकई आप समझते हैं कि मैसेज को बेनिफिट है बैंकिंग सिस्टम में बढ़ावा आ रहा है जी ये जो आप जो अभी जो बात कर रहे थे ये ब्रांचलेस बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रांचलेस बैंकिंग अभी पाकिस्तान में माशा बहुत फास्ट ग्रोथ की है केस स्टडीज़ भी हैं ईजी पैसा इज़ अ केस स्टडी फॉर पाकिस्तान Uh, मिजान ने अभी रिसेंटली तकरीबन दो महीने पहले यू फोन के साथ पांच तो सौ है आप देखें। 500 हैं। ये तीस हजार जगहों पे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से पैसे दिए और दूसरी जगह ले लिए सब दुकानें ही होती हैं दुकान के मैं खोखे कहता हूँ तो एक खोखे में आपने पैसे दिए पाकिस्तान में कहीं दूसरे खोखे पे जाके आपने उसी वक्त पैसे ले लिए टेलीफोन मैसेज के बिल्कुल तो बिल्कुल तो इंस्टेंट होता है उसमें अभी सी पाकिस्तान में बैंक, बैंकिंग पेनिट्रेशन लो है बिकॉज ऑफ ये जो आजकल गवर्नमेंट ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा ली उसका भाई लोग टैक्स नेट में आए लेकिन उसमें इनिबिशन हैं फॉर सम रीजन यहाँ ज्यादा इनिबिशन है होने नहीं चाहिए आई एम फुली सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इसी पे इसी बात से सवाल है कि क्या वजूहत हैं कि 200 मिलियन की पॉपुलेशन में अभी तक अगर हम देखें 1947 से लेकर अभी तक देखते हैं तो हाल ही हम बात करते हैं ट्वेंटी मिलियन अकाउंट्स की बात करते हैं इसको बढ़ा नहीं पाए और वो भी कहते हैं कि जी ये तो नंबर है एक्चुअली अगर देखें तो शायद बहुत ज्यादा कम है इससे बहुत कम है एग्जैक्टली exactly, उसमें एक के दो अकाउंट्स भी हैं कोई डोरमेंट अकाउंट्स भी हैं उसकी बस वही है कि टैक्स का फेयर है यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट और काम भी कर रहे हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट ने हमारे काम किए इस पर ट्रांसपेरेंसी को जितना बढ़ाएंगे ये लोगों को ये इतमान होगा कि भाई हमें अगर दस लाख रुपये टैक्स पे करना है हमने दस लाख रुपये टैक्स पे कर दिए और ख़त्म है बात वो हो जाएगा तो ये ये खुद ही चीज़ें सही हो जाएंगी हम भी फेर रहे हैं लोगों के साथ गवर्नमेंट भी फेर रहे हैं लोग भी फेर रहे हैं जब वो ना टू वे स्ट्रीट होती है गवर्नमेंट देखती है कि भाई हमें मतलब लोग देखते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है तो वो भी टैक्स पे करने के लिए तैयार होते हैं वरना वो आपस में अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यार हमें गवर्नमेंट क्या दे रही तो हम क्यों दें जो गलत चीज़ है वो तो आई थिंक इसे कैश ट्वेंटी टू चीज़ें पॉजिटिव होंगी आई एम श्योर बेहतरी आएंगी कराची में अब ग्रीन लाइन का अगर अफ्त हुआ है लोगों में एक एक पॉजिटिविटी आई है उससे हो पाई है हो पाती है उससे आ, लेकिन उस होप को हमें उजागर करना होगा मीडिया में मैंने देखा कि वो न्यूज में चौथी या पांचवी न्यूज थी वो मुझे बहुत अफसोस <laughs> you know, तो हो यू नो हमारे क्रिकेट में हार जाए तब भी पहली न्यूज होगी जीत जाए तब भी पहली न्यूज होगी ना हार ना जी कह रहे हैं लेकिन वो ग्रीन लाइन इंपॉर्टेंट है तो वो चीज हमारे मीडिया भी उसको वो नहीं करते हैं अंडरमाइन करते हैं चीजों को एक्चुअली हमारे लोग भी तो नहीं देखना चाहते ना वो भी ये देखना चाह रहे हैं कि लोग वही देखना चाहते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं मीडिया दिखाना चाहते हैं। आप मीडिया में आप बम दिखाएंगे तो वो बम के आदि हो जाएंगे चले तो, हम हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बैंकिंग <laughs> सिस्टम इस वक्त बड़ी तैयारियां कर रहा है सी पैक के हवाले से कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से इस वक्त तकरीबन सबके सब बैंक ही इस हवाले से काम कर रहे हैं स्पेशल तैयारियाँ हो रही हैं क्या तैयारियाँ हो रही हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बहुत ग्रोथ आई है बहुत सारे पावर सेक्टर ऑलरेडी फाइनेंशियल ग्रोथ से पहुंच गए हैं थर कोयल इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट तो ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसमें कुछ गवर्नमेंट गारंटीड हैं कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट गारंटीड नहीं लेकिन उनका ऑफ टेक बहुत अच्छी कंपनी से गारंटीड है हुँ, हुँ. तो माशा इसमें बहुत होप uh, uh, नज़र आ रही है हमें और हमें लग रहा है जो अभी हमारा एंडियार का इन शहु बेहतर हो जाएगा तो चाइना इज़ वन थिंग इरान इज़ एन अदर अपॉर्चुनिटी अभी दो दिन पहले स्टेट बैंक ने बहुत डिटेल सर्कुलर इशू किए कि कौन से सेंक्शन जो थे वो किस नौत के थे और कौन से रिड्यूस होंगे कौन से खत्म हो जाएंगे क्या होगा ईरान तो पाकिस्तान जी, 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 सिर्फ गैस पाइप लाइन नहीं बिलियन अमेरिकन डॉलर की बात ईरान इज वेरी से जिस रोज ब्रिटिश एम्बेसी वहाँ खुली थी उस रोज में कोई लेक्चर था मैं वहाँ था सेंट्रल बैंक होस्ता था हमारा दे वर सो रिसेप्टिव कि भी पाकिस्तान हमारे नेबर हैं हमें से बहुत काम करना चाहिए बट आई थिंक उसमें हमें पहल बहुत करनी चाहिए बिकॉज दुनिया पहल ले रही है वहाँ पर हम अगर देर से जाएंगे तो ऑबियसी वो जो बिजनेस की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी वो right. मीज़ान बैंक कौन से प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग के हवाले से तैयारियां कर रहा है एनर्जी में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स एनर्जी में हमारा बहुत फोकस है अभी बिकॉज ऑबियनर्जी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि वो पहिया चलाने के लिए एनर्जी चाहिए बिल्कुल तो एनर्जी पे हमारा मेन फोकस पिछले दो तीन साल से रहा है और प्रॉब्ली रहेगा भी आ, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम देख रहे हैं डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं ये सब चीज़ें हैं इन ये जो आपके जो हैं ग्रीन लाइन टाइप के प्रोजेक्ट्स आए तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू तो लुक इनफैक्ट इस्लामिक बैंकिंग में ये डफटेल होते भी हैं बिकॉज ये खुद ही आपके फाइनेंसिंग से एसेट जनरेट करते हैं इस्लामिक फाइनेंस में जो एक जो Uh, मुश्किल होती है वही होती है कि गवर्नमेंट को एसेट्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ तो एसेट क्रिएट होते हैं वो हुँ, हुँ, तो वो अगर हम डे वन से उनके साथ काम करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ जो कर भी रहे माशा हमारे साथ वो तो उसमें अब इसी एक, एक बहुत आ, उसमें डिवेलपमेंट हो सकता है इरहान साहब प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों से जब हम बात करते हुँ। हैं बाईलास्ट तो देखें कि दुनिया में बैंकिंग का असल मकसद तो ये होता है कि आप इकानी को ज़्यादा तेज़ करने में मदद करें प्राइवेट सेक्टर को पैसे वैसे दें ताकि वो काम करें कारोबार बढ़ेगा लोगों को नौकरी मिलेगी ग़ुरबत में कमी होगी इकानी का पहिया घूमेगा यहाँ जब हम देखते हैं तो पिछले माली साल में आपके हैं कि टोटल जो अमाउंट था वो कभी दो सौ आठ अरब रुपये था जो प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ थी इस माली साल में काफ़ी बेहतर फिकर देख रहा हूँ अगर पहले छः महीने की बात करूँ कि दो अरब रुपये की फिक्र नज़र आती हैं लेकिन वो भी जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि ये जो पैसा मिला है ना ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए नहीं मिला प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नहीं मिला ये वर्किंग कैपिटल के तौर पे मिला है ये 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 वजूहत आखिर क्या है कि वर्किंग कैपिटल के लिए तो दे देते दे 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 हैं लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ताकि कोई प्रोजेक्ट लगे मैन्युफैक्चरिंग हो हमारी एक्सपोर्ट बढ़े लोगों को जॉब्स वगैरह मिले नहीं जो ये जो चीज़ें जो डिमांड जो जनरेट होती है ना ये तो होती है फ्रॉम जिनको पैसे चाहिए होते हैं कोई भी एक अच्छी कंपनी है वो आके कहती है हम बी एम आर में जा रहे हैं डबल कैपेसिटी कर रहे हैं सीमेंट प्लांट है हमें डबलिंग करनी है तो वहाँ से नहीं आ रही डिमांड नहीं तो वहाँ से जो आती है वो वो बैंक जाती है आ, उस पर आई वुड से कि सिर्फ आते नहीं है बल्कि वो दौड़ के भाग के इतना कंपटीशन है कि जाते हैं वहाँ पर लेकिन एस तो वो कहते हैं एस एम का थोड़ा सा मुख्तलिफ सिचुएशन है लेकिन जो आपकी मेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो तो वो जिस देखें जब वो ग्रोथ उस वक्त आएगी जब आपके पास कुछ स्टोरी बोर्ड होगा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वो स्टोरी बोर्ड गवर्नमेंट को क्रिएट करना होता है अब आप देखें चाइना सी पैक की हम बात करना शुरू किए तो मलेशियन एयरलाइन की एक न्यूज़ आई थी कि भाई वो पाकिस्तान दोबारा ऑपरेट करना शुरू करेंगे मैंने कल कर एक अखबार में ऐड देखा कोई एयरलाइन का नाम मुझे याद भी नहीं है सुना भी नहीं था मैंने लाहौर से मलेशिया शुरू कर दी उन्होंने दिस इज़ ऑल चाइना प्रिपरेशन बिकॉज इज़ अ नीड चाइनीज एयरलाइन नहीं है लेकिन नहीं। एक प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन ने उसकी जगह देखी उन्होंने कहा भैया बिजनेस बढ़ेगा तो हम यहाँ रूट शुरू करें तो जब भी इनेबलिंग इन्वायरमेंट होगा तो लोग आएंगे गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट की इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी एंड रिटर्न इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि हमने पहले नहीं देखे है वो राइट तो गवर्नमेंट इज़ द कैटलिस्ट गवर्नमेंट अगर कहेगी कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो आएगा तो यू you नो know, ये 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 डिमांड बैंक्स जनरेट नहीं करेंगे बैंक से कहें भी आप लोग लैंडिंग नहीं करते हैं फाइनेंसिंग नहीं करते हैं हम किस को लैंडिंग करें हमारे पास कोई आ जाए वहाँ पर कि भई हमें तो लैंडिंग कर दें और हमारा ख्याल है कि पैसे वापस भी नहीं आने तो हम पैसे देंगे बिल्कुल भी, भी नहीं देंगे किसके पैसे हमारे पास डिपॉजिटर्स के शेयर होल्डर का पैसा बैंक में सिर्फ आठ फीसद होता है तकरीबन तकरीबन राइट बाकी नाइन्टी टू परसेंट जो है वो डिपॉज़िटर का पैसा होता है तो क्या खुदा ना खासा बैंक ने अगर रेकलेस लैंडिंग की तो ना एन पी एस बढ़ेंगे ना ना, 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 ना रिटर्न मिलेगा ना ना पहिया चलेगा आगे तो ये बहुत जरूरी है कि हम महताद लेवल पे जाके देखें बैंक्स का ये काम नहीं है कि भाई कोई प्रिंटिंग मशीन तो नहीं है ना बिल्कुल आप लोगों का भी पैसा है वो तो वो महताद तरीके से हम चाहते हैं सिक्योर सिक्योर रहे इरफान साहब ये बताएं कि इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो हर तरफ ये बात हो रही है कि जी इंडिया में स्टार्टअप्स नए नए बिजनेस ऑनप्रोन्योर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है और यंग ऑनप्रोन्योर्स काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेके आगे आ रहे हैं उसमें अगर सक्सेस रेट भी देखें तो ये बात भी की जा रही है कि पचास फ़ीसद सक्सेस रेट है पाकिस्तान में ये जो तो बच्चे एम बी ए करके आते हैं सारे सब लोगों को तो नौकरियाँ नहीं दी जा सकती और सब लोग नौकरी करना भी नहीं चाहते वो चाहते हैं अपना बिजनेस करें और करना भी चाहिए करना भी चाहिए ऐसे कि आंट्रोनियोरशिप होगी तो फिर ज़ाहिर इकॉनमी में बेहतरी आएगी तो मीज़ान बैंक की तरफ से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कोई प्रोडक्ट है जो यंगस्टर्स तलीम हासिल करके आते हैं देखिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट है मतलब इसमें ऑबियसली आपको एक असेसमेंट करना होता है ऑफ जन्यूनिटी बिकॉज अगर आप वो वो बात सही होती है कि एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी आपका अच्छा निकल जाए तो वह दो तीन अगर ख़राब होते हैं तो उसको बर्दाश्त कर लेता है वो जिसको आप प्राइवेट एक्विटी में कहते हैं प्राइवेट एक्विटी का रुझान पाकिस्तान में आया नहीं है बैंक्स के जो रेगुलेशन है वो प्राइवेट इक्विटी को सपोर्ट नहीं करते हैं आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत हाई कैपिटल चार्ज होता है इस पर तो ये एक एरिया ऐसा है जिसमें आई थिंक कलेक्टिवली फाइनेंशियल सेक्टर को भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये देखना चाहिए भाई इस सेक्टर को प्रमोट कैसे करें बिकॉज इसमें इट इज़ ए हाई रिस्क आइटम इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ पहल लेना चाहिए कोई फंड्स क्रिएट करना चाहिए बैंक्स भी हैं इसमें कुछ गारंटीज़ आनी चाहिए और गवर्नमेंट करती है मतलब फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो इन्होंने किए फाइनेंसिंग का उसमें बीस लाख रुपए तक आप लोन दे सकते हैं फॉर एनी बडीज़ अपू दर्टी फाइव राइट एंड माशाला पीपल आर टेकिंग लेकिन वही ग्रोथ शुरू में स्लो होती है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कैचअ कर जाती हैं टैक्सी स्कीम्स आप पंजाब में देखें बहुत अच्छी चल रही है डिफ़ॉल्ट रेट्स भी नहीं है उनमें तो एक रिक्शा भी यहाँ पर रिक्शा एक दो लाख रुपए का आता है एक आदमी वो ले लें उसमें मैंने खुद ही एक एनालिसिस किया था लोगों से पूछ पूछा था तो उन्होंने कहते हैं भाई इसमें तकरीबन उनके हज़ार रुपये दिन के बच जाते हैं अब अगर दो लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हजार रुपये बच जाए तो आपके बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो रिक्शा चला सकते हैं hmm. कराची जैसे शहर में रिक्शा की बहुत खपत है आई एम श्योर आप एक छोटे गाँव में चले जाए वहाँ भी खपत है hmm. तो ऐसा यू नो बट पीपल हैव टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ थिंग बैंक्स अनफॉर्चुनेटली खुद नहीं कर पाती हैं चीजें। जब डिमांड आता है तो उसको उसको डिमांड को मीट तो कर लेती हैं लेकिन अभी तक वो बैंकिंग सेक्टर में वो वो नहीं है कि भाई हम जाके पहल करें इसको एनसन शरिया कम्प्लाइन प्रोडक्ट्स मज़ीद लॉन्च होनी चाहिए पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च हुई हुई हैं वो तो काफ़ी हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट में इजाफा हो रहा है और फिर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दो मिलियन की पॉपुलेशन में तकरीबन कोई एक सौ मिलियन वो लोग हैं जब भी आप बात करें थर्टी फाइव ये से कम उम्र के हैं तो इन लोगों को इकोनमी में शामिल करने के लिए कोई शरिया कम्पलाइट नई प्रोडक्ट्स लॉन्च जी हम हमारे यहाँ रिसर्च डिवेलपमेंट केपेबलिटी के तो अलहमदिल्ला आई फील के प्रॉब्लली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के जो इस्लामिक बैंक हैं उसमें प्रॉबली हमारा शायद नंबर वन पे ही होंगे हम इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी पैंतीस चालीस लोग हमारे यहाँ काम करते हैं बी एस बी हैं चार्ट अकाउंटेंट्स भी उसमें अकाउंटेंट्स हैं लॉयर्स हैं प्रोडक्ट्स तो आते रहती हैं एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग का कमाल ये होना चाहिए कि आपका कोई प्रोडक्ट आप कोई फाइनेंसिंग नीड लेकर आएँ एज लॉन्ग एज दंडरलाइन प्रोडक्ट इज शरिया कम्प्लाइट हमारा कमिटमेंट यह कि हम उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे आज अगर नहीं है तो कल हम लेकर आएंगे तो अगर कोई भी चीज आती है एज लॉन्ग एज शरिया कम्पलाइंट आप कहें कि भाई प्रोडक्ट अंडरलाइन प्रोडक्ट और शरिया कम्पलाइंट नहीं तो अब इसी बात ही नहीं बनती hmm. लेकिन अंडरलाइन प्रोडक्ट अगर शरिया कम्पलाइंट है हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है हम रिसर्च करेंगे उस पर और लेकर आएंगे और हो भी जाती हैं तो प्रोडक्ट का ये नहीं है कि अभी आज आपके मेन्यू में क्या चीज़ें हैं आप कोई चीज़ लेकर कर आएँ उसका सोलूशन ढूंढना होता है वो सोल्यूशन हर बैंक में मौजूद होता है अलहमद हर इस्लामिक बैंक में मौजूद है हर इस्लामिक बैंक विंडो में मौजूद है तो वो वो मसला नहीं है कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट कार्ड नहीं है अभी राइट right? लेकिन उसका ये होता कि है कि हमारा डेबिट कार्ड बहुत स्ट्रांग है इट्स प्रॉब्लली वन ऑफ द यू नो बेटर यूज्ड डेबिट कार्ड्स तो कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइजेज़ करनी होती है बिकॉज हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते लेकिन हमारे ये ख्याल है कि नाइन्टी फाइव परसेंट हम एटलीस्ट चीज़ें कर पाते हैं आपने जो अपने डेबिट कार्ड की बात की उसमें थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की है इस हवाले से वो है कि जो पिन कोड है बेसिकली आपका बैंक नहीं डायरेक्टली देता कि जी यही पिन कोड है करें बल्कि वो कस्टमर से पूछता है कि आप बताइए कि कौन से चार डिजिट हैं जो आपका पिन कोड होना चाहिए उससे आप समझते हैं कि सिक्योरिटी का एलिमेंट बढ़ जाता है और फिर लोगों अक्सर पिन कोड भूल जाते हैं नहीं लेकिन आप जब आप जब एटीएम में जाएं, तो तो यू हैव अ चॉइस ऑफ चेंजिंग योर पिन कोड बल्कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट था जी कि जी आप बताएं कस्टमर आप बताएं कि क्या होना चाहिए क्या क्या इसके पीछे अच्छा इस्लामिक -क्या -क्या फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जो इसमें ग्रोथ होगी बाय 2018 जो मार्केट साइज होगी वर्ल्ड वाइड मार्केट साइज़ तकरीबन तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स आप समझते हैं कि इस वक्त अगर देखें तो शेडो बैंकिंग का वॉल्यूम दुनिया में कोई अस्सी ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स के करीब है और शेडो बैंकिंग चाइना की हम बात करते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी वहाँ भी बड़े मसाले हैं शेडो की वजह से कोई इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में कोई इस तरह की कोई प्रोविज़न है कि लोगों को कन्विंस करें ताकि वो इस बैंकिंग सिस्टम से बाहर आके एक रेगुलर बैंकिंग सिस्टम में आए बेहतर बैंकिंग सिस्टम में आए देखिए लोग दो बजे से जो नहीं आते हैं नेट में बैंकिंग सेक्टर में सिस्टम में एक तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं आते हैं कि भाई वो हुकूमत को पता चल जाकर दार साहब देख लेंगे तो मुश्किल मुश्किल हो जाएगी राइट लेकिन ना से सब डरते हैं सब डरते हैं हम भी बहुत डरता है राइट लेकिन एक तो वो वजह है दूसरी वजह यह है कि शरिया की वजह से नहीं आते हैं तो अलहमद जो इस्लामिक बैंकिंग का जो ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में तो अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास इस्लामिक बैंकिंग डो स्टेप पर अवेलेबल ना हो आइधर थ्रू इस्लामिक डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक और थ्रू अ कन्वेंशनल ब्रांच ऑफ इस्लामिक बैंक हर जगह मौजूद है राइट तो वो तो अब एक्सक्यूज नहीं रही तो लेकिन अब वो जो गवर्नमेंट का है वो तो गवर्नमेंट ही उसको ओबियसली थ्रू एजुकेशन एंड मास मीडिया कैंपेन वो कि भाई हम आपके दोस्त हैं दुश्मन नहीं है जो कहते भी हैं राइट तो एक पार्ट तो हम फुलफिल कर रहे हैं और अलहमदिल्ला बहुत अच्छी तरह फुलफिल कर रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में न्यू टू बैंक बहुत कस्टमर आते हैं वो लोग जो कभी बोरो करने के लिए तैयार नहीं होते थे आज आज वो पैसे लेके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं हर बैंक में सक्सेस स्टोरीज है हर बैंक में आप मीजान का अभी मार्केट शेयर फिफ्टी परसेंट है लेकिन ये बाकी फिफ्टी परसेंट भी हम देखते हैं बैंक्स में बहुत सक्सेस स्टोरीज है तो अच्छा पाकिस्तान में आ, ग्रोथ तो हम सुनते रहते हैं कि जी तीस पच्चीस तीस फीसद के करीब है लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड एसेट ब्रेक डाउन की बात करें इस्लामिक बैंक की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में कहाँ सक्सेस रेट आप देख रहे हैं एसेट साइड पे सक्सेस रेट जो जो ईरान ईरान तो देखें ईरान एक सिस्टम पे काम कर रहा है जो पूरा इस्लामिक है नहीं, नहीं? पचास फ़ीसद ज़्यादा दुनिया में वो तो अभी एसेट वाइज उनके पास ही मौजूद है लेकिन अगर हम चूँकि वो अभी तक एक एक वर्ल्ड इकोनॉमी में नहीं थे नहीं। तो अगर हम ईरान को एक मिनट के लिए छोड़ के बात करें तो अविस मलेशिया वाज दी प्रमिनेंट जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किए डॉक्यूमेंटेशन पे आ, उसको आसान बनाने के लिए सिक्योरिटाइजेशन पे तो वहाँ पर चीज़ें में ग्रोथ आई है पाकिस्तान में भी अगर ये ग्रोथ आ जाए तो आप जो बात करें ना कि हमारी ग्रोथ क्या रहेगी इंडस्ट्री की आई थिंक बी मच बेटर देन वॉट आर गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग और उसमें न्यू टू बैंक भी लोग आएंगे न्यू टू बैंक आने में ही हमारा सक्सेस है कंट्री का हुँ, कि अगर लोग बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी उसके लिए ऑब्वियसली कुछ मोटी मोटी चीज़ें गवर्नमेंट को भी करना चाहिए आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ डिफेंस में कराची डिफेंस में लाहौर डिफेंस में इस्लामाबाद डिफेंस में तो प्रॉबली उसकी वैल्यूएशन अगर आप एक करोड़ की दस दस करोड़ की चीज़ें तो वो कहते हैं एक करोड़ रुपये की इसकी रजिस्ट्री होगी ये ब्लैक इकोनॉमी तो वहीं से फ्यूल हो रही है इसको गवर्नमेंट कब कर करते हैं दो मिनट का काम है बिल्कुल ठीक मेरे समझ से बाहर होता है कि क्यों नहीं करते हैं बिल्कुल इतना आसान काम है क्यों नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीजें करें वो कुछ चीजों को कुछ लोग उससे हर्ट जरूर होंगे लेकिन जब तक के वो हम अपनी वोटिंग के चक्कर में बकरा काटने वाली बात है जब तक के वो कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा तो कहीं भी की चीज़ हो रहा है वो और ये हर जगह हो होता है वो आ, आ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता हर जगह होता है तो अब इसी उस चीज का आपको मिनिमाइज करना होगा अंडरस्टैंड uh, कि माइक्रो फाइनेंस बैंक अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो एक सक्सेस स्टोरी तो है अनडाउली हम देख रहे हैं अगर एक दो माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के गांव देहात तक भी अपनी हाँ। जनरस कर लिए कराची अगर हम बात करें तो कराची के तकरीबन हर आ, एरिया में उनकी बड़े स्ट्रॉग नेटवर्क हैं ये अलग बात है कि छोटी सी बेसिकली उनका सेटअप है मिज़ान बैंक की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रेटजी है लास्ट क्वेश्चन है आपसे टू मूव टुवर्ड्स उस, उस लेट डर में नहीं है नहीं। लेकिन हम दूसरे जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसूशन हैं उनको हम जरूर कर रहे हैं well, ताकि वो अनवर्ड लेंडिंग कर पाए तो उसको हम एज अ पायलट प्रोजेक्ट देख रहे हैं क्योंकि इसके लिए पूरा एक अलग माइंड चाहिए होता है वो बैंकिंग में हम लोग जिन चीज़ों से टू होते हैं माइक्रो फाइनेंसलिफ तरीके से होता है बिकॉज वॉल्यूम्स कम होते हैं कॉस्ट बहुत हाई होती है तो बांग्लादेश जो ग्रामीण बैंक है आपका जो सबसे मशहूर डॉक्टर का डॉक्टर का वहां पर गया था तो वहां पर ब्रांच मैनेजर के को जो उन्होंने व्हीकल दिए हुए थे उसका नाम साइकिल होता है और जो एरिया मैनेजर को दिया हुए थे उसका नाम मोटरसाइकिल होता है यहाँ पर तो हम साइकिल और मोटरसाइकिल की बात करें तो यहाँ मुश्किल हो जाए किसी भी बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल इरफान सद्दीक साहब इट वाज रियली रियली ग्रेट हैविंग यू 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 ऑन द शो थैंक थैंक सो सो मच मच फॉर योर टाइम वेल नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं अब तक के लिए इतना ही अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़